हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ उत्तपम। यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया। अब हम यहाँ पे 2 कप सूजी ले लेंगे। जिस कप से हमने सूजी नाप लिया था उसी कप से हमने 1 कप दही डाल देंगे। 2 कप सूजी है तो हम यहाँ पे 1 कप दही डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लिया। अब हम इसको ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गया। अब हमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम इसको पानी मिक्स करके फिर देखेंगे कितना पानी और हमें डालना है। थोड़ा सा और डालेंगे पानी। ऐसे बेटर चाहिए हमें। हमने यहाँ पे 2 कप सूजी में 2 कप पानी ऐड किया और 1 कप दही। यहाँ पे लिया है हमने प्याज, हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटो और शिमला मिर्च। सबको हमने बारीक चॉप कर लिया। इसको हम मिलाएंगे सब एक साथ। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। गैस पे हमने एक पैन रख दिया, गर्म हो गया। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक चम्मच से हम इसको फैलाएंगे। इसके ऊपर से हम इसको अच्छे से बिछाएंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा दबा देना है। दबाने से क्या होगा कि सूजी की जो बेटर बनाया हमने वो इसमें चिपक जाएंगे। प्लेट में से पहले हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप चाहे तो इसको घी से भी बना सकते हो। मैं यहाँ रिफाइन ऑयल से बना रही हूँ। इसको हमें लो फ्लेम में ही पकाना है। दोनों फ्राई अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको थाली में निकाल लेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।